हरे कृष्णा राधे राधे। व्रत विधि उपाय में सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ठाकुर जी की बहुत सारे सत्य घटनाएं आप सभी लोगों ने सुना है। हमने आपको एक से एक ऐसे ऐसे ठाकुर जी की लीला के बारे में बताया है जिसके बारे में शायद ही कोई सोच पाए। एक और सत्य घटना आप सभी लोगों के साथ शेयर करने के लिए आज मैं आई हूँ। ये सत्य घटना हमारे साथ शेयर किया है उज्जैन से पल्लवी जी ने। पल्लवी जी कहते हैं कि लोगों का देखा देखी उनके घर में भी उन्होंने लड्डू गोपाल जी लेके आए। बढ़िया उनका ड्रेस लिए, बांसुरी लिए, सब सामान जो जो उनको लेना चाहिए था सब सामान लिए और लड्डू गोपाल जी के दो चार दिन बहुत ही अच्छे से सेवा भी करना शुरू कर दिया। परंतु देखा देखी तो भक्ति आना मुश्किल होता है। दो चार दिन सेवा करने के बाद पल्लवी जी को ऐसा लगने लगा कि लड्डू गोपाल जी बेकार में लेके आए। अब क्या करें, अब उनकी सेवा उनसे हो नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि खामोखा भगवान जी को ऐसा लाना नहीं चाहिए था, जबकि मन लगा के मैं सेवा भी नहीं कर पा रही हूँ। कभी भोग देना भूल जाते थे तो कभी सुनाना भूल जाते थे। ऐसे में उनको अपने आप पे ही बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। वो सोच रहे थे कि इस तरह से भगवान जी को घर पर नहीं रखना चाहिए। उन्होंने अपनी दोस्त के साथ बात की और बोले कि मेरे लड्डू गोपाल जी मेरे घर पर है पर वो उनकी सेवा नहीं कर पा रही है, तो कृपा करके वो लड्डू गोपाल जी की सेवा ले ले और उनको अपने पास रख ले। उनके दोस्त इस बात पे राजी हो गए क्योंकि उनके भी मन ही मन इच्छा था कि वो भी घर पर एक लड्डू गोपाल जी की विग्रह लेके आए और उनकी सेवा करे। परंतु किसी वजह से ये हो नहीं पा रहा था। लड्डू गोपाल जी स्वयं अपने आप आ रहा है, ये बड़ी ही खुशी की बात थी, इसीलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। पल्लवी जी ने अपनी लड्डू गोपाल उनकी सहेली को दे दी और सोचा लड्डू गोपाल जी की रोज़ रोज़ सेवा से छुटकारा मिल गई। ऐसे ही सोच के बड़े आराम से दिन काटने लगे। उधर उनकी दोस्त जो लड्डू गोपाल जी को अपने घर लेके गए, वो डेली रात को उनकी नींद टूट जाती और डेली वो कहीं ना कहीं से बच्चे की रोने की आवाज़ मिलते थे। हमेशा बच्चे की रोने की आवाज़ कहाँ से आता है समझ में नहीं आता था, क्योंकि इससे पहले इन्होंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा। पर जब से लड्डू गोपाल जी आए हैं तब से यह घटना घटने लगी। परंतु सोचने वाली बात ये थी कि ये आवाज़ सिर्फ उनको ही आता था। कितनी बार उन्होंने अपने पतिदेव को भी उठाए और आवाज़ सुनाने की कोशिश किया, पर अद्भुत तरीके से उस समय आवाज़ नहीं आती थी। घर के कोई भी दूसरा बंदा ये आवाज़ नहीं सुन सकता था। अब पल्लवी जी को थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उन्होंने अपनी सहेली पल्लवी जी से फिर से कहा, पल्लवी जब से तुम्हारा लड्डू गोपाल जी मैं लेके गई हूँ तब से मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। पल्लवी जी बोले, ये तुम्हारी मन की भ्रम होगा और कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। भगवान जी यहाँ पूजित नहीं हो रहे थे इसीलिए तुम पूजा कर रहे हो। अब लड्डू गोपाल जी को वहाँ खुश रहना चाहिए, इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है। पर यह बात रुकी नहीं। 7 दिन 10 दिन हो चुका था और यही चीज़ चलती रही। एक दिन सुबह भगवान जी को पूजा करते हुए जब आए तो देखे लड्डू गोपाल जी की पूरे ड्रेस गीला था। सामने कहीं कोई पानी नहीं थी, कोई भी कुछ भी नहीं था, क्योंकि रात को कभी भी वो भगवान जी के सामने पानी वगैरह नहीं रखते थे। मंदिर में लड्डू गोपाल जी जहाँ बैठते थे वहाँ सामने कोई पानी नहीं रहता था। फिर भी लड्डू गोपाल जी की पूरी ड्रेस गीला देख के अब उनसे रहा नहीं गया। वो तुरंत लड्डू गोपाल जी को वैसी ही हालत में उठा के लेके पल्लवी जी के पास आए और बोले, देखो लड्डू गोपाल जी की लीला देखो, रात भर शायद ये रोते रहे, इनकी पूरी पोशाक भी गीला है, तुम अपने लड्डू गोपाल जी को अपने पास रखो। इतने में पल्लवी जी ने भी देखा जैसे कि मुंह गोल करके फुला के रखा है, गुस्से से लाल हो रहे होंगे, क्यों तुमने मुझे अपने से दूर किया। लड्डू गोपाल जी को जिनसे सेवा लेना होता है वो उनके पास वापस जरूर आते हैं, ऐसे तो कई सारे भक्त का मान्यता है। पल्लवी जी को भी आंख भर आई और सोचा कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दी, अपने इच्छा से लड्डू गोपाल जी को लेके आई और 2 दिन में सेवा नहीं हो पा रही है करके उनको दूसरे के घर देके भी आई, यह बहुत ही अन्याय हुआ। लड्डू गोपाल जी को क्षमा प्रार्थना करते हुए पल्लवी जी ने अपने घर पे उनको फिर से स्थापना की। और इसके बाद से हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उनके फ्रेंड कभी दोबारा बच्चों की रोने की आवाज़ नहीं मिली, ना उन्होंने सुना ना घर के किसी और ने ऐसा सुना।
उनके फ्रेंड बाद में दूसरे लड्डू गोपाल जी लाए और अपने घर में स्थापना किए, उनकी बड़े दिल से पूजा अर्चना करने लगी। और इधर लड्डू गोपाल जी जो पल्लवी जी की थी, वो पल्लवी जी के घर पर ही स्थापित हुए। आज कई साल से पल्लवी जी उनकी पूजा करते हैं और आज के डेट में पल्लवी जी की जान है, वो प्राण है, वो अपने हृदय में स्थान दिए है अपने लड्डू गोपाल जी का। उनकी ये लीला, लड्डू गोपाल जी की ऐसी लीला, पल्लवी जी के जीवन पूरी तरह से चेंज कर दिया था। आप सभी लोगों को ये सत्य घटना कैसा लगा जरूर बताना। अच्छा लगा है तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में आप और हम कनेक्टेड रहे। मिलते हैं नया एक वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।